सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैक्स पर। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, आज हम एक सर्वर के ऊपर हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब। इस पर लाइफ स्टील, स्काई ब्लॉक, बेड वार्स, मिनी गेम्स, भाई साहब क्या क्या नहीं है। तो एक्सप्लोर करके देखते हैं इस पर क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई, ये रही इसकी सिंपल लॉबी। तो पहले हम स्काई ब्लॉक के अंदर चलते हैं। तो फाइनली हम स्काई ब्लॉक के अंदर तो आ चुके हैं और हमारा आइलैंड क्रिएट हो चुका है। भाई साहब क्या ही प्यारा लग रहा है आइलैंड हमारा। और भाई साहब यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग में एक हेड दिया हुआ, पता नहीं क्या है, तो इसे देखते हैं। मेरे ख्याल से मिनियन है ये, कौन सा मिनियन चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कोबलस्टोन का मिनियन। तो भाई ये, और सामने भी मेरे को एक मिनियन दिख रहा है, ये अच्छी बात है। मेरे पास दो दो मिनियन हो चुके हैं स्टार्टिंग में ही। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, और मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था ब्रेक द वुड, जो कि मैंने कर दिया। हमारे पास स्टैकिंग ऑब्जेक्टिव आ चुका है, एक क्राफ्ट बेंच क्राफ्ट करना है, क्राफ्टिंग बेंच। बस पहले तो ये वुड तोड़ दें, तो फाइनली मैंने वुड तोड़ लिया। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी स्टिक्स मिल चुकी थी जो कि मेरे को बाद में काम आएगी, इसको भी कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हम क्राफ्टिंग बेंच बनाते हैं, मेन टू से क्राफ्टिंग टेबल। और यहाँ पे मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल बन चुकी, ये रहे भाई साहब क्राफ्टिंग टेबल बनाना, लीवर नहीं। तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बन चुका है, इसको प्लेस करते हैं ये पर। भाई साहब हो जा प्लेस, भाई प्लेस हो गया। हाँ अब सही है। अब इसमें से हम क्राफ्ट करते हैं एक पिकैक्स। तो यहाँ पे स्टिक्स को ऐसे लगाते हैं और ऊपर यहाँ पे प्लैंक्स आ गए हमारे पास, और ये क्राफ्ट हो गई हमारी पिकैक्स। तो भाई सामने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव आ गया, टॉक टू जेरी। तो भाई उसके लिए तो हमारे पास ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ब्लॉक्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो मैं स्टोन इकट्ठे करके मिलता हूँ। तो भाई फाइनली मैंने कोबलस्टोन तो इकट्ठे कर चुके, तो यहाँ पे इसको ना यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ब्रिजिंग करना। तो यहाँ पे इसको यहाँ से, और फाइनली हमारा ब्रिज बन चुका है। तो गाइस ये देखो हमारे पास स्टार्टिंग में मिनियन नहीं, भाई साहब इसने क्या माइन किया है। भाई साहब इसकी इन्वेंटरी चेक करता हूँ अभी। भाई साहब इसने तो कुछ नहीं माइन किया, मेरे ख्याल से ना इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे सेंटर पे लगाना पड़ेगा। अब ये वर्क करेगा अच्छे से। हाँ अब मेरे ख्याल से ये सही वर्क करेगा। और ये रहा हमारे पास चेरी, वैसे इससे बात कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम इसको मूव भी कर सकते हैं। और ये क्या है, विजिटर्स, यहाँ पे गेस्ट लिमिट्स। भाई साहब यहाँ पे प्लेयर्स के बारे में लिखा हुआ कि हमारे एल पड़े कितने तक प्लेयर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी कुछ जगह है भाई साहब, यहाँ पे ये एग्जिट दी हुई है। भाई साहब मैंने एग्जिट नहीं मारी, तो इसको बंद करते हैं पहले। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं, हमारे पास चेस्ट दी हुई है। भाई साहब चेस्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब जनरेटर के लिए। पहले तो लेकिन हम इसे सैपलिंग्स और टॉर्च लेके चलते हैं। जनरेटर की मेरे को ज़रूरत पड़ने नहीं वाली क्योंकि हमारे पास मिनियंस हैं। तो इस टॉर्चेस को ना हम प्लेस कर देते हैं क्योंकि इसमें मॉब्स भी स्पॉन होते हैं, तो उनसे सेफ रहना होगा। और यहाँ पे भाई साहब अभी गिरते गिरते बचा, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे यहाँ पर भी टॉर्च प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे सारे साइड्स पे मैंने टॉर्चेस तो प्लेस कर दिया है। और ये सैपलिंग थी एक बस। अब ना हम जाके, ये हमारे पास एक मिनियन है, इसको भी यहाँ पर प्लेस कर देते हैं ताकि हमारा कोबलस्टोन जल्दी जल्दी माइन हो। तो गाइस मैंने ये लास्ट ब्लॉक रह गया, तो मैंने इस मिनियन को यहाँ पे प्लेस तो कर दिया है। भाई साहब ये जेरी की इन्वेंट्री को खुल रही है, तो इसको ना साइड में कर देता हूँ ऐसे। भाई साहब ये हमारे मिनियन के पत्थरों के नीचे आ गया, अभी ज़रा दफन हो जाएगा। तो इसको हम कहाँ पर लगाएं, ये सही जगह है, तो इसे यहाँ पर टॉप पर रख देते हैं। भाई नहीं तो मिनियन ऐसे इसकी ग्रेव बना देगा कोबलस्टोन लगा के। तो यहाँ पे ये साइड को ना हम ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हमें अभी जाने का काम तो है नहीं इधर। तो हम हब में जाके देखते हैं भाई साहब हब में क्या क्या है। भाई साहब चलते हैं हब के अंदर। फाइनली हम हब के अंदर तो टेलीपोर्ट हो चुके हैं। भाई साहब यहाँ पे आते ही मेरे को बहुत सारे प्लेयर्स दिखने लग चुके हैं। भाई साहब हब तो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। तो भाई एक्सप्लोर करके देखते हैं, हमें एक्सप्लोर द विलेज मिला हुआ है, तो हमें यहाँ पे विलेज को एक्सप्लोर करना है। तो भाई यहाँ पे विलेज से मुझे दिख नहीं रहा, मेरे ख्याल से ये पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। भाई साहब ये बंदा क्या कह रहा है,
तो इसका नाम है रोजेटिया, रोजीटा। तो ये हमें आयरन आर्मर दे रहा है भाई साहब। भाई साहब इसके भी ये पैसे चार्ज कर रहा है भाई, मुझे लगा शायद फ्री में दे देगा। तो अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो आगे चीज़ें एक्सप्लोर करने चलते हैं। ये कौन है मेरे पास भाई साहब? इसका नाम है एंड्रयू। भाई ये कौन है भाई साहब? न्यू जोन डिस्कवर कर लिया हमने ब्लैक स्मिथ का। तो यहाँ पे हम मेरे ख्याल से अपनी चीज़ें रिपेयर करा पाएंगे। तो भाई ये भी सही है भाई। यहाँ पे एक और बंदा दिख रहा है भाई, अंकल का नाम प्रनाउंस कर दिया। ये तो कुछ नहीं कह रहा, तब हम आगे जाकर देखते हैं। यहाँ पे है एक माइनर, माइनर हमसे क्या कह रहा है भाई साहब? ये तो हमें पिकेक्स भी दे रहा है, लेकिन अभी हमारे पास भाई साहब पैसे नहीं है, तो हम पिकेक्स तो बाय कर नहीं पाएंगे। तो गाइस चलते हैं हम आगे। भाई साहब कुछ और अच्छा खासा मिलता है भाई, ये लाइब्रेरियन यहाँ पर। और हमने एक और नया जोन डिस्कवर कर लिया भाई साहब, इससे बात करते हैं क्या कह रहा है। तो इसके पास तो भाई साहब खतरनाक खतरनाक वाले एन्चेंटमेंट्स हैं। तो इसके लिए भी हमें एक्सपी चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास एक्सपी आएगी तो हम यहाँ से एन्चेंटमेंट्स भी अपने आर्मर पर लगाएंगे। भाई साहब दुख से कहना पड़ रहा है, अभी तो आर्मर भी नहीं है। तो यहाँ पे एक बंदा है भाई साहब, भाई ये क्या कह रहा है भाई? ये अभी कुछ खास नहीं कह रहा। तो यहाँ पे भाई साहब ये बगीचा किस बंदे ने बना रखा है, इसके अंदर जाके देखते हैं भाई साहब। भैया भाई साहब ये क्या कह रही है? डू यू हैव पैट? अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया खेलना, अभी कैसे मेरे पास पैट आएगा? तो गाइस हम इससे पैट खरीद सकते हैं भाई साहब, लेजेंडरी लेजेंडरी पैट है इसके पास। तो भाई साहब इसके पास सिंपल पैट ही 5,000 का है, और यहाँ पे तो 6-6 लाख पर पैट जा रहे हैं। अभी हमारे पास तो 1 लाख की दूर की बात है, अभी 1 रुपया नहीं है मेरे पास। तो यहाँ से आगे चलते हैं भाई साहब। यहाँ पे खोपड़ियाँ रखी कुछ मॉब्स की, भाई साहब इन खोपड़ियों को भी हम छोड़ते हैं और हम जाते कहीं और भाई साहब एक्सप्लोरेशन पर। यार भाई साहब कोई काम का बंदा मिल नहीं रहा। ये एक और जोन हमने डिस्कवर कर लिया है भाई साहब, जोन तो मैं बहुत डिस्कवर कर रहा हूँ आज भाई साहब। ये लंबर जैक क्या कह रहा है? तो इसने हमें ऑब्जेक्टिव दे दिया है वुड कलेक्ट करने का, तो मेरे ख्याल से हमें इसको वुड कलेक्ट करके देनी है। तो भाई साहब इसको एक बार पैसे ने बताया नहीं कितनी कलेक्ट करके देनी है, इसको बस एक ही वुड चाहिए भाई। नहीं भाई साहब इसको और भी वुड चाहिए, तो मैं इसको जल्दी से भाई साहब इसको मैं थोड़ी सी वुड कलेक्ट करके देता हूँ। तो भाई ये फाइनली मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर ली है। तो भाई इसने मुझे को एक्स दे दिया भाई साहब, इसके पास एक्स तो खुद नहीं काट, खुद क्यों नहीं काट रहा था? चलो अपन को तो बढ़िया, अपन को फ्री में एक्स मिल गई है। तो इसको छोड़ते हम आगे निकलते हैं फ्री का सामान लूटने। भाई साहब पैसे नहीं तो फ्री का सामान ही लूटना पड़ेगा। और यहाँ पर फार्मर है हमारे पास, तो हमने फिर से जोन डिस्कवर कर लिया। और ये भाई साहब इसने भी हमें ऑब्जेक्टिव दे दिया, तो इसका भी हुक्म सर आँखों पर रख के हम वीट देते हैं। भाई साहब टूट जा, हाँ तो ये सारी वीट मैं इकट्ठी करता हूँ पहले। तो भाई साहब इतनी सारी वीट इकट्ठी कर ली भाई साहब, इसकी साउंड क्या मस्त है। तो मेरे का इतनी काफ़ी रहेगी वीट इतनी काफ़ी रहेगी। तो इसको हम जाके देते हैं भाई साहब। इसने क्या दिया हमारे पास? फार्मिंग एक्सपीरियंस दिया। तो गाइस यहाँ पे मैं ख्याल से मैं जितनी मर्जी वीट इकट्ठी कर सकता हूँ यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे हम वीट सेल भी कर पाएंगे मेरे ख्याल से भाई साहब। ये तो सही है, मैं ऐसी है, ये तो सही है। मैं यहाँ से ना वीट इकट्ठी करके भाई साहब सेल करता रहूँगा और मेरे पास मनी आती रहेगी। लेकिन हमें कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, कब तक हम ऐसे वीट इकट्ठी करते रहेंगे। तो यहाँ पे भाई साहब साइड में ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ट्रैवल टू बान। तो भाई बान कहाँ पर है? तो बान तो मुझे मिल नहीं रहा, बस यहाँ पे फार्म लिखा था, वहीं पर चलते हैं भाई साहब। तो ये रहा बान भाई साहब, यहाँ पे तो फार्म लिखा था, पता नहीं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या क्या है भाई साहब। यहाँ पर भी बीटी उगा रखे हैं भाई साहब, और क्या है यहाँ पर? ओ भाई यहाँ पे वाटर मेलन्स हैं और पम्पकिन भी है कुछ, जो कि अच्छी बात है भाई साहब। इनको भी हम सेल कर देंगे भाई साहब। कितने सारे पम्पकिन हैं यहाँ पर भाई साहब, आगे भी हैं फिर और भी पम्पकिन हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया है मेरे पर्स में 50 रुपीज़ भी आ चुके हैं भाई साहब।
अब हम मेरे ख्याल से उस माइनर से पिकेक्स खरीद पाएंगे। भाई सब ये चल क्यों नहीं रहा, भाई सब ये वर्क नहीं कर रहा। तो फाइनली ये वर्क तो कर चुका है और हम उतर चुके हैं दोबारा अपने एरिया पर, मेन आइलैंड पर मेन। तो यहाँ से आगे चलते हैं, इन वीट सीड को सेल करने का यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से शॉप होगी। और भाई यहाँ पे देखो साइड में शॉप भी लिखा है, तो यहीं पे मेरे ख्याल से सेल करना है। यहाँ पे एक और भाई ये लंबर मर्चेंट क्या कह रहा है, भाई ये तो कुछ कह नहीं रहा मेरे ख्याल से, ये वो एप्स का सामान बेच रहा है। और यहाँ पे एक फार्मर भी है भाई सब, इससे पूछते ये क्या कह रहा है भाई। तो इसको वीट से ये सीड नहीं सेल कर सकते भाई, ये वीट सेल करके देखते भाई। ये वीट तो ले रहा है, तो ये हम इसने हमें वीट के अच्छे खासे पैसे दे दिए हैं। तो भाई ये आगे देखते हैं आपसे। और ये हमारे पास एक और बंदा भाई सब, ये है फिशरमैन, तो ये हमें फिशिंग का सामान दे रहा है भाई साहब। अभी तो मैं ये फिशिंग करने का कोई मूड नहीं है, तो इसे छोड़ते हैं भाई साहब। यहाँ पे ये फिर वो बंदा आ गया रोजीटा, इसे तो हमने बात कर लिया है। तो यहाँ पे ये कौन है, तो यहाँ पर है बिल्डर भाई साहब। भाई साहब इस बिल्डर को बात करते हैं, ये क्या कह रहा है। यहाँ पे वैरायटी कमिंग सून ग्रीन थम, भाई साहब ये क्या है। तो यहाँ पे वैरायटीज ऑफ फ्लावर एंड लीव्स हैं, तो अभी तो हमें कुछ ज़रूरत है नहीं बिल्डिंग की, तो यहाँ से भी निकलते हैं हम। तो आइलैंड पे जाके चेक करते हैं हम दोबारा से। भाई सब ये कौन है, नोट एडिड आई नीड हेल्प, भाई सब ये है कौन। भाई सब इसको छोड़ो, करप्टेड बंदा ही लग रहा है। तो फाइनली हम दोबारा से अपने आइलैंड पर तो आ चुके हैं। भाई सब अंधेरा इतना ज़्यादा क्यों है भाई, जल्दी से टॉर्च लगानी पड़ेगी भाई, इतना अंधेरा भाई तो मैंने सोचा नहीं था। शुक्र है अभी तक कोई मॉब स्पॉन नहीं हुआ, मेरे ख्याल से मैं आइलैंड पे नहीं था इसलिए, या मेरे ख्याल से अभी भी अंधेरा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने मिनियंस ने कितना सारा माइन किया। भाई ये क्या भाई, सिर्फ 4 कोबल स्टोन, भाई इतना कम तो नहीं माइन किया होगा। मेरे ख्याल से इनको ना अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी ये और भी माइन करेंगे। तो भाई ये तो सही है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई। इसको भी तो सेम ही एरिया दिया मैंने भाई। ये देखो यहाँ पे 2 ब्लॉक की गैप है, और यहाँ पर भी 2 ब्लॉक की गैप है हर साइड में भाई, लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से इसको तोड़ना पड़ेगा साइड से, मेरे ख्याल इसको ना थोड़ा सा और भी एरिया चाहिए, और इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। और ये टूट गया, और यहाँ पे इसको कोबलसन प्लेस करके, इसको यहीं पर रिप्लेस करके यहीं पर प्लेस करते हैं। भाई साहब ये हमने उतार लिया इसको, भाई साहब बच्चा तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है। तो भाई साहब मेरे ख्याल से वर्क करेगा, और तो मेरे ख्याल से वर्क करना चाहिए भाई, अभी भी नहीं कर रहा। तो साइड से एक और लेयर इसकी तोड़ देते हैं भाई साहब, इसके तो नखरे बढ़ते जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, इसके बाद नहीं वर्क किया ना भाई साहब, इसको मैं वॉर्ड में फेंकने जा रहा हूँ भाई। अब तो वर्क कर जा भाई, अभी भी वर्क नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। ओ भाई फाइनली वर्क इसने करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये अच्छी बात है, इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे भाई साहब स्पाइडर्स आई हुई हैं हमारे पहले आइलैंड पर, तो इनका जाके स्वागत करते हैं। हेलो स्पाइडर्स, स्वागत है तुम्हारा मेरे। ओ भाई साहब मैं तो हेलो कहने आया था। ओ भाई भाई अब आया मज़ा भाई, मैं हेलो कहने आया था, ये मेरे ऊपर ही चढ़ गई भाई। शुक्र मार दिया भाई, मुझे लगा था ये नहीं मारेंगी, ऐसा मुझे क्यों लगा मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भरा भरा क्यों है। मिनटो से यहाँ पे आइलैंड पर नहीं, यहाँ पे बहुत सारी ग्रास हो रही, तो इनको साफ करके मैं मिलता हूँ। तो फाइनली भाई साहब ये देखो कितना क्लीन लग रहा है। यहाँ पे ना हम वुड से एक चेस्ट क्राफ्ट करते हैं पहले, तो ये प्लैंक्स आ गए हमारे पास, इकट्ठे हो चुके हैं हमारे पास बहुत सारे प्लैंक्स भाई साहब। इन सारे वुड के हम प्लैंक्स बना लेते हैं पहले। तो भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई साहब, बार बार नीचे क्लिक करना पड़ रहा है। और ये फाइनली भाई साहब इतने वुड काफ़ी हैं मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट सारे बन गए हैं। और इससे हम बना लेते हैं चेस्ट, और ये हमारे पास चेस्ट बन चुकी है। इस चेस्ट को यहाँ पर प्लेस करते हैं।
और यहाँ पर डबल चेस्ट प्लेस हो चुकी है। और इस फालतू के माल को अंदर रखते हैं भाई साहब। इस वेट सीट को मैं लेकर तब से घूम रहा हूँ भाई साहब। स्पेस ही बस इक्विप की हुई है इसने, तो इसको तो हम रखते हैं। और इन चीज़ों के भी बाद में रखते हैं भाई साहब। इतने फूल, भाई साहब इतने फूल मैंने असल ज़िंदगी में नहीं देखे जितने यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पे बकवास चीज़ें तो मैंने रख दिया है, मज़ा ही आ गया लेकिन इस सर्वर को खेलने में। तो भाई मैंने अभी नोटिस किया भाई साहब, ये मेरी कस्टमाइज स्किन को क्या हुआ भाई साहब? मेरे ख्याल से पता नहीं कोई ग्लिच हो गया है। तो कोई नहीं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सही करूँगा स्किन को। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा होगा, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको भी इस सर्वर पर खेलना है तो इसकी आईपी पोर्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ ऐसे एक और धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।